स्वयं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने रविवार को चंडीगढ़ में संवाददाता सम्मेलन में मीडिया कर्मियों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दी है और राज्य सरकार ने 9200 करोड़ रुपए की राजस्व को संग्रहित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि पंचायतों के सुझावों के तहत 100 वेंडरों को भी नई नीति के तहत कम किया गया है और उन्होंने बताया कि शराब के अंतर्राज्य आवागमन को बेहतरीन नियंत्रण के लिए ट्रांजिट स्लिप को शुरू किया गया है। जहां बात जीएसटी कलेक्शन की है, पिछले दिनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डाटा भी निकाला है और हरियाणा 5वें नंबर पर देश में रहा है जिसने जीएसटी कलेक्शन में एक इंक्रीज रिकॉर्ड दिखाया है। पिछले वर्ष के कंपैरेटिव इस साल हमारे पास लगभग 16% की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष 30,507 करोड़ रुपया स्टेट में जीएसटी कलेक्शन था और इस वित्त वर्ष के अंदर 35,390 करोड़ रुपए के आसपास हमारा कलेक्शन हुआ है। मगर जो पॉजिटिव चीज़ देखने वाली है तो टोटल कनेक्शन हुआ है जिसमें IGST भी जाएगा, जो दूसरे प्रदेशों के अंदर प्रोड्यूस होकर चीज़ें गई है उसका रिफंड है। मगर जो हरियाणा का SGST कलेक्शन है, जो हमारे स्टेट के खाते में पैसा रहता है, वो पिछले वर्ष 11,959 करोड़ था और इस वित्त वर्ष के अंदर 15,115 करोड़ रुपया वो GST कलेक्शन है। और मैं ये मानता हूँ कि जो कलेक्शन है ये डायरेक्टली स्टेट को बेनिफिट करता है। इसके अंदर हमने बहुत ऐतिहासिक कदम